हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बनाएंगे हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक पीस लिया है 7x8 इंच का, थोड़ी सी लेस ली है और ये ब्लाउज पीस से मैंने काफ़ी लंबी इस तरह से पट्टी बनाई है और ये 3 इंच काट करके इसको डबल करके मैंने पूरा सिल लिया है। तो अब इसी से हम पहले शुरुआत करेंगे। तो इसको लगाएंगे यहाँ पर और पाइपिंग मैंने ली है एकदम अपोजिट कलर में, ये देखिए, और इसको भी इसी नाप से काट लेते हैं। और जो लेस है वो इस पाइपिंग से मैच करती हुई ली है, तो इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन मैंने लिया है। अब इस पाइपिंग को नीचे रखेंगे सीधी, उस पर क्विल्टेड पीस रखेंगे 8 इंच का एरिया, फिर ये पीस रखेंगे और इन तीनों को एक साथ सिल देंगे। अब इस पाइपिंग को कंप्लीट कर देंगे। तो अब ये जो एरिया है इसको भी सिलेंगे, यहाँ से पाइपिंग सिलते हुए इसको पैक कर देंगे। अब इसको लगाने के बाद इस लेस को हम यहाँ पर फ्रिल देते हुए पूरा कंप्लीट कर देंगे। और इस तरह से मैंने यहाँ पर ये 3 पीस तैयार किए हुए हैं। तो इन 3 पीस को तैयार करने के बाद अब अगला काम है हमारा। यहाँ पर मैंने एक लकड़ी ली है, लकड़ी 13 इंच की है और इस पर कुछ पुरानी पट्टियाँ लपेट के पहले इसको हम कवर करेंगे। इस तरह से पूरा इसको कवर कर देना है। इसको कवर करने के बाद यहाँ पर इसको सुई धागे से अटैच कर देंगे। जिससे ये खुले नहीं। इसको तैयार करने के बाद ये हमारे पास जो लकड़ी थी वो स्मूथ हो गई। अब ये कहीं से हमको लगेगी नहीं। अब इसके बाद लेंगे जो पाइपिंग का कपड़ा है उसी कपड़े को लेंगे और इसको यहाँ पर मेजरमेंट लेते हुए जितने में ये रैप हो जाए आसानी से उतना बड़ा कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ इसका मेजरमेंट इसलिए नहीं बता पाऊँगी क्योंकि आपकी लकड़ी की मोटाई दूसरी हो सकती है और कपड़ा कितना आप रैप करेंगी उस पर डिपेंड करेगा। इसको कट कर लेंगे। अब इस पीस को डबल करते हुए यहाँ से पूरा लंबा सिल देंगे। अब इसको सीधा करेंगे। ये देखिए एकदम टाइट फिट, खूब अच्छा सा तैयार हो गया। अभी
मैंने यहाँ कट कर दिया, बहुत ज़्यादा कपड़ा था, फोल्ड करने में दिक्कत आती। इसको हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे और हाथ की सिलाई से इसको मजबूती से पैक कर देंगे। अब ये भी तैयार हो गया। अब इसके बाद हम अब जोड़ना शुरू करेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ये 8x27 इंच का पीस लिया है। ये देखिए 8x27 इंच का ये पीस है और अब इसमें हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमने 3 पीस तैयार किए हैं इनको लगाएंगे, एकदम बॉटम से लगाना शुरू करेंगे और इसको 3 साइड से यहाँ सिल देंगे। ठीक उसके ऊपर 1/2 इंच करीब ऊपर जाते हुए इस तरह से रखेंगे, इसको सिलेंगे और इसको पलट के सिल देंगे। अब इसको लगाने के बाद दूसरा पीस लेंगे, 1/2 इंच ऊपर रखेंगे, उल्टा रखेंगे और इसको यहाँ पर सिल देंगे। अब इसको पैक कर देंगे और सेम प्रोसीजर में इसको भी लगा देंगे। और इसको भी हमने इस तरह से तैयार किया। अब ये जो हमने ब्लाउज पीस किए, ये सिंथेटिक ब्लाउज पीस था जो इससे थोड़ा सा डार्क था। ये पूरा 85 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस था मेरे पास साड़ी का और इसको मैंने 3 इंच काट करके और डबल करके इसको सिल लिया है। तो अब इसकी हल्की सी फ्रिल इस 3 तरफ लगाएंगे। ये ऊपर का साइड जिधर से ये पॉकेट हमारी खुल रही है ऊपर का साइड छोड़ देंगे और 3 तरफ इसकी फ्रिल लगा देंगे। अब फ्रिल को हम पीछे की तरफ से लगा देंगे। और अब फ्री लगाने के बाद इस पर हम जैसे फ्री लगी है पाइपिंग चढ़ा देंगे। पाइपिंग को जोड़ने के बाद अब पाइपिंग को पूरा इस तरह से फोल्ड करते हुए फ्रिल हमारी बाहर आ जानी चाहिए। पूरी पाइपिंग हम अंदर कर लेंगे और पहले इस पर एक दाब मशीन चला देंगे। अब ये दाब मशीन देने के बाद इसमें हम इसको अंदर मोड़ते हुए पाइपिंग की तरह पूरा कंप्लीट कर देंगे। और फ्रिल भी लग गई, पाइपिंग भी लग गई। अब इसके बाद जो हमने ये डंडा बनाया था रॉड, इसको लेंगे पीछे रखेंगे और जो डंडा है उससे बड़ा ही लेना है आप लोगों को और इसको यहाँ पर फोल्ड करके निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया और ये जितना बड़ा हुआ था
ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर फोल्ड करते हुए इस तरह से सिल देंगे। अब इस रॉड को इसमें डाल देंगे। इसको डालने के बाद बराबर से लेंगे डोरी, और डोरी जितनी लंबी छोटी आपको रखनी हो टांगने के लिए उतनी ले सकते हैं। ये कॉटन डोरी है जो पजामे वगैरह में डाली जाती है। सिंपल नॉट देनी है। ये हमने इसके नाप की डोरी कट कर ली। अब इसको निकाल लेंगे बाहर, नॉट खोलेंगे। पाइपिंग वाला पीस लेंगे 3x3 का। ट्रायंगुलर शेप में रखते हुए कट करेंगे। डोरी का एक सिरा इसमें रखेंगे और दोनों सिरों पर ये टसल लगा देंगे। अब फाइनली इसको हम यहाँ पर बांधेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नॉट नहीं देनी है, क्योंकि ये जो हैंगर है हमने वॉशेबल बनाया है ताकि नॉट खोल करके और इस पीस को धोया जा सके। और ये आपका हैंगर तैयार है। अब डोरी भी लगी रहेगी और टसल भी टंगा रहेगा, तो ये खूबसूरत ही दिखना है इसको हर हाल में। और इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन में दे करके एक ऑर्गेनाइज़र बना लें। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।